नीडल्स में आर एस रहता, आर एस बोले तो राउंड शेड, आर एल रहता मीन्स राउंड लाइनर, और मैग्नम रहता और फ्लैट रहता, और कव मैग थोड़े लोग राउंड मैग बोलते हैं। सर पुको को पेन दिस थोड़ा कोई लोग आर एम बोलते, कोई लोग सी एम बोलते, तो राउंड मैच आर एल मीन्स क्या रहता बोले तो राउंड लाइनर, लाइनर टाइट रहता, लाइन करने के लिए यूज करते, तो थ्री लाइनर बोले तो ये थ्री नीडल्स, थ्री लाइनर ऐसा रहता एकदम, जो शॉर्ट एच पॉइंट वाला आता ना वहाँ पे आते कि शॉर्ट लगाते वो लोग लाइनर के लिए। तो ये हो गया राउंड शेडर। शेडर क्या है, थ्री आर एल में थ्री लाइन से थ्री लाइनर को क्या शॉर्ट लगाते नीचे आते कि शेडर को ऐसा नहीं लगाते, शेडर ओपनली थ्री ऐसा ऐसा रहता, ओपनली रहता स्ट्रेट 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 नजदीक आते कि ऐसा शॉर्ट नहीं रहता, ये फ्लैट रहता। देखो लाइनर को कैसा करते बोले तो नजदीक आते कि शॉर्ट लगाते, अब ये निडिल का टिप है तो सॉल्डरिंग कर रहे, पूर्वों को लेके आके शॉर्ट करते ऐसा, शेडर को ऐसा नहीं करता, शेडर ऐसा रहता पूरा। तो तुम्हारे को दिखा दो ये हो गया लाइनर। देखो आपको सामने कैसा दिख रहा, शॉर्ट के सर का दिख रहा, वो भी आर एस से, ये आर एस से कैसा दिख रहा तुम्हारे को, पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, शॉर्ट के सर का नहीं दिख रहा, एक ब्रश के सर का दिख रहा, पूरे इसके खुले हुए दिख रहे, ये वाला देखो पूरा एकदम टाइट। ये राउंड लाइनर को अपन मैग से मैग लाइनिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये ऐसा है कि यूनिवर्सल टेक्निक नहीं है कि ये लाइनर लाइनर के लिए यूज करना, लाइनिंग करना इससे बोल के नहीं है, इससे तुम शेडिंग भी कर सकते, डिटेल भी कर सकते, सब कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग सब। तो आप लाइनर से शेड भी कर सकते, छोटे छोटे डिटेल्स है वो डिटेल्स भी तुम दे सकते हो, राइट। ये राउंड शेडर, शेडर से क्या है फिलिंग कर सकते हैं अपन, शेडिंग कर सकते, छोटे छोटे डेप्थ है अगर डिटेल्स है, डिपेंड्स अपन जैसा आर्ट करते करते रहते अपने को मालूम रहता है कि कौन सा टेक्निक कौन सा शेड अपन किससे कर सकते हैं। आर एस से अपने को लाइनर से तुम ऐसा 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 घसने ज़्यादा घसने से ज़्यादा शेडर ले लेना, एक ही फ्लो ऐसा शेड दिए तो एक ही फ्लो में आता, वो क्या है वो कैसा देना और तुम्हारा विजन के ऊपर रहता। तुम ज़्यादा स्टडी ज़्यादा टैटूइंग करने के बाद तुम्हारे को टेक्निक मालूम होता, तुम सीधा सीधा तो ये ब्लैक हो गया ये लाइट हो गया वैसा कर रहे, तो वो ब्लेंड नहीं होता, वो डेप्थ नहीं दिखता, पैच के सर का दिख जाता, ब्लैक का ब्लैक ग्रे का ग्रे वैसा दिख जाता, वैसा नहीं दिखना। तो ग्रेडिएंट करने के लिए, ब्लेंडिंग करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स फिल करने के लिए शेड राउंड शेडर अच्छा रहता। कोई लोग राउंड शेडर को पावर लाइंस देने के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर समझो ओल्ड स्कूल का लाइनर, ओल्ड स्कूल का एक रोज है तो रोज को पावर लाइन, देखो ये हो गया, इसको पावर लाइन देने के लिए कोई लोग आर एस यूज़ करते,
तो इसके इसके बाजू से तुम एक बार ऐसा रैली में गए तो खुद पावर लाइन आया था, इतना मोटा लाइन आया था एक ही फ्लो में कंसिस्टेंसी वाला। तुम उसको लाइनर से अगर फिल करे तो क्या एक जगह मोटा एक जगह पतला होने का चांस रहता। अगर तुम ऐसा कर रहे तो अच्छा नहीं रहता, 10% नहीं रहता। अच्छा सा पैक होता है, एक ही फ्लो में आता है, एक ही फ्लो में तुम निकालते ना, एक ही प्रेजर देते तो एक ही लाइन जो स्टार्टिंग पॉइंट में कैसा रहता तो एंडिंग पॉइंट में भी वैसे रहता, तो लाइन वैसा आने के लिए आ रहे थे। लोग वैसा यूज़ करते, मैग्नम अपन यूज़ करते शेडिंग के लिए, फिलिंग के लिए, डिपेंड्स। ये मैग्नम में अपने को दो किस्म के रहते, M1 M2। ये M1 9 M1 9 M2 लिए, ये नीडल में 9 नीडल सी रहेगा, ये नीडल में भी 9 नीडल सी रहेगा, लेकिन क्या होगा बोले तो M1 M2 में गैपिंग, इसका गैपिंग रहता था, जो गैपिंग रहता था। देखो मैग्नम नॉर्मली नीचे, अब 9 का एग्जांपल ले रहे बोल तो नीचे 5 नीडल्स रहता, 5 के बाद ऊपर 4 रहता, वो 4 कैसा रहता, ये नीचे ऐसा 5 गैप्स लगाए ना, ये गैप के बीच में वो 4 लगाता है, तो स्पेस बढ़ जाता। ये क्या है M1, तो M1 एग्जांपल इतना बड़ा है तुम्हारा, M1 नीडल। अब M2 का नहीं आती कि क्या करता बोले तो गैप कम कर देता, ये जो गैप है ना वो कम कर दे के नज़दीक लगा देता, नज़दीक लगा के फिर इसके ऊपर ऐसा लगा देता, तो दो लेयर के ऊपर ही लगा रहा। M1 को कैसा लगाया, अंदर घुसा के लगा दिया, तो नीचे के नीडल्स को गैप दे के फिर उसके अंदर जो नीडल्स है उसके अंदर बिठाया हमें। तो M1 M2 क्या कर रहा बोले तो गैप कम हो गया, सीधा सीधा एक के बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसा बिठाता, तो उसमें क्या होता बोले तो ये M1 अपना इतना बड़ा है ना, M2 आधा रहता उसके अंदर, बहुत छोटा रहता बोल तो। ये पूरे ब्रशेस के तरह नीडल्स को बना रहे, आप समझ रहे हो ना, एक एक शेप उसको एक एक शेप दे रहे। इसको थोड़े लो मैग्नम को वैसा रहता, फ्लैट बोले तो क्या है एक ही लेयर रहता बोले तो 9 फ्लैट बोले तो 9 नीडल्स को एकदम फ्लैट में भिजा देता उन्हें एक ही लेयर में, दो नहीं भिजाता। मैग्नम बोले तो उसके ऊपर और एक आता और एक लेयर, अगर 9 बोले तो नीचे 5 ऊपर 4 लेता, 3 7 मैग्नम बोले तो नीचे 4 लेता ऊपर 3 लेता, ऐसा रहता ऊपर नीचे ला के मोटा करता, ऐसा आता। फ्लैट बोले तो सिर्फ ऐसा रहता एक लेयर, ये फ्लैट हो गया, ये मैग्नम हो गया। तो तुम्हारा ब्रश का साइज बढ़ रहा, तुम्हारा इंक फिल होने का स्पेस भी बढ़ता, तो ये ब्रशेस के सर का आर्ट है, डैट वही इंक से पूरा आर्ट है। तो ये पूरे टूल्स को तुम कैसा यूज करके कच्चा प्रेजेंट करते उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अपन रेफरेंस ले रहे अगर एग्जाम्पल स्कल को ले, वो स्कल को लेके उस स्कल के नीचे पूरा मेरे को डार्क है, डार्क में क्या कर तू लाइनर से करे तो ज़्यादा टाइम लग जाता, RS या मैग्नम लेके अच्छा फिल कर लेते चले जाता हूँ, तो डार्क डार्क कर लेता हूँ, लाइट को क्या RS से शेड करता हूँ, थोड़े डिटेल उसके अंदर के आंख के डिटेल, नोज के डिटेल को क्या कर तो लाइनर से लाइट टोन साइज ऐसा शेडिंग देना, वो डेप्थ ले लेके आता। तो ये हो गया तुम्हारे को लाइनर के बारे में हो गया, RS के बारे में हो गया, शेडर के मैग्नम के बारे में हो गया, फ्लैट के बारे में हो गया। ये राउंड मैग है, राउंड मैग्नम मींस मैग्नम के सरकैच रहेगा, लेकिन ये मैग्नम फ्लैट रहेगा, लाइक ऐसा स्क्वेयर में ऐसा स्क्वेयर कैसा है ऐसा रहेगा ब्रश के सर का। ये राउंड मैग्नम क्या रहेगा, कर्व मैग्नम क्या रहेगा ऐसा रहेगा, तो उसका जो एजेस रहते ना वो ऐसा शॉर्ट नहीं रहता, कर्व रहता। तो मोस्टली आई लव दिस मैग्नम, क्यों बोले तो ये कुछ अच्छा, कुछ कर्व है, कुछ फ्लैट जगह है, सब जगह इसको मस्त रन कर सकते, इसको नहीं रन कर सकते,
कोई कर्व जगह यूज नहीं कर सकते, कर्व जगह यूज कर रहे तो फ्लैट चले जाता है उसका, कॉर्नर्स पूरे उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, नहीं कर सकता इसको क्या है बोले सिर्फ ये पार्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं मैग्नम का ऐसा करके ये पार्ट यूज करते फुल यूज कर सकते आधा यूज कर सकते, अगर इसको ऐसा यूज करे तो क्या इन्हें ज्यादा शॉर्ट ना कुक कर देता ज्यादा पाँच बन के कुक कर देता, इसको ज्यादा प्रिफर नहीं कर। देखो ऐसा है कि मैं मेरे टेक्निक्स बोल रहा हूँ, ये मेरे टेक्निक्स जो मैं वो फील हुआ मैं जो एक्सपीरियंस करा वो टेक्निक्स बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं बोल रही कि ये यूज नहीं करना ये यूज नहीं करना, ये सब आपको पूरे नीडल्स जो जो रहते नीडल्स का चार्ट पूरा बता रहा हूँ, आपको सब खरीदना पड़ेगा सबको यूज करना पड़ेगा, मेरे को कौन सा सूट होता वो तुम्हारे को समझ में आता। देखो यूज़ करते ड्रेसिंग में बहुत सारा है, जीन्स है टी शर्ट है जीन्स है, कोई लोग लिनन शर्ट पहनता है जीन्स है, कोई लोग अच्छा फॉर्मल तो जीन्स के ऊपर कोई प्रिंटेड शर्ट पहनता, कोई जीन्स के ऊपर जीन्स का जैकेट पहनता, कोई जीन्स के ऊपर जीन्स का डेनिम का वो पहनता है, डिपेंड वो पहले तो मालूम होता ना अपने को सूट हो रहा नहीं हो रहा, जीन्स के ऊपर लिनन का शर्ट सूट होता नहीं, वो तो अपना मर्जी हो अपना अपने अपने को लगता अरे भाई सीधा करीमनगर या चिराग गली से ऐसा का दिख रहा आप ऐसा नहीं दिखना मैं नीट दिखना मतलब देखना कैसा टी शर्ट के ऊपर मस्त प्रिंटेड ग्रिंटेड देखे तो अरे नहीं यहाँ थोड़ा जिम्मिक है भाई बोल के भाई सब समझ पब्लिक भी क्या तुम्हारा देख के डिसाइड कर देते कैरेक्टर इन्हें कैसा है गाँव वाला है सिटी वाला है यहाँ का है गाँव का है बोल के ये पूरा तुम साउंड के अंदर नकल लगाओ यार यार ये नहीं 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 मैं एडिट कर दूंगा हां वही बोल ये एग्जांपल के अंदर नकल लगाओ एडिट कर तो अच्छा होगा सारी कुछ मैं शुरू में कहा था कि डीप चले जा तुम ये साउंड मत लगाओ कहता ये पूरा चलेगा तो ये चार्ट पूरा लगा रहे पूरा यूज करना तुम सब लिरिक यूज करना यूज करे तो कौन सा लिरिक कैसा है अपने को मालूम होता ఏ నిధులన్నా యూజ్ చేస్తేనే తెలుసు అది ఎట్లున్నది ఎట్లా మనకి ఏ యూజ్ అయితే కదా సో ఒకదాని